हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के एग्ज़ाम शेड्यूल्स के बारे में। तो परीक्षा के संबंध में एक नई सूचना आई है और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, जो 16 जून 2021 की नोटिस है, मतलब आज की ही है। पहला ये है, जो नई सूचना मिली है उसके अनुसार समस्त परीक्षाएँ 15 जुलाई से 31 जुलाई तक संपन्न करा ली जाएंगी, जो कि पहले भी कहा गया था। मौखिक परीक्षा ऑनलाइन होंगी। परीक्षा की जो अवधि है वो 1.5 घंटे की है, जिसमें लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और जिसमें लघु उत्तरी के लिए और दीर्घ उत्तरी के लिए वर्ड लिमिट दी गई थी पहले से, जो सेम ही रहेगी। एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक प्रश्न पत्र होगा। और नेक्स्ट जो है वो है स्नातक द्वितीय और तृतीय छात्रों की परीक्षा होगी, जो पाठ्यक्रम 4 वर्षीय हैं उनके द्वितीय और चतुर्थ वर्ष की परीक्षा होगी। इसके साथ साथ स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा, जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको दूसरे साल में प्रोन्नत किया जाएगा। और 2022 में जो उनके आने वाले अंकों के आधार पे जो द्वितीय वर्ष का उनका एग्ज़ाम होगा, उसके आधार पे प्रथम वर्ष के परिणाम और अंक को निर्धारित किया जाएगा। और जो छात्र द्वितीय वर्ष में हैं उन्होंने राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण की परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होना होगा। और साथ ही जो तृतीय वर्ष के ऐसे छात्र हैं जिन्होंने प्रथम वर्ष में राष्ट्र गौरव की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उत्तीर्ण कर ली है तो केवल उन्हें पर्यावरण देना होगा, और अगर उत्तीर्ण नहीं किए हैं तो उन्हें राष्ट्र गौरव की परीक्षा के साथ पर्यावरण की परीक्षा भी देनी होगी। यानी ऐसे फाइनल ईयर के छात्र जो राष्ट्र गौरव में परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं तो वो दोबारा से दे सकते हैं राष्ट्र गौरव को। और ज़रूरी है, ये दोनों एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें पास आउट होना ज़रूरी है, तभी वो डिग्री फाइनल की बनती है। स्नातकों में स्नातकोत्तर के लिए है कि उनके प्रथम सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी, स्नातक स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के अंक के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर के अंक निर्धारित करते हुए प्रोन्नत किया जाएगा, और उसके बाद उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है वह है कि जो द्वितीय चतुर्थ स्नातक में और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं उनको प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के आधार पर अंक प्रदान कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है विधि की परीक्षा के लिए, तो वो काउंसिलिंग बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्देश होगा उसके अनुसार आयोजित होगा उनका एग्ज़ाम। MBA का जो चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा है वो पूर्व की भांति OMR पद्धति से ही होगा। ये सारी चीज़ें लगभग मिलती जुलती हैं जो पुराना उनका अपडेट था विद्यापीठ का। कोरोना संक्रमण के कारण यदि कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उस दशा में छात्र को उस कोर्स के प्रश्न पत्र के विशेष परीक्षा में, कोर्स या प्रश्न पत्र जो भी होगा उसके विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय सुविधानुसार आयोजित किया जा सकेगा। तो बाद में ऐसा कुछ आयोजन किया जा सकता है जिनका एग्ज़ाम छूट जाएगा कोरोना की वजह से, और यह प्राविधान केवल इसी सत्र के लिए लागू होगा और केवल एक बार लागू होगा। तो ये एक अच्छी बात है बच्चों के लिए। ऐसे छात्र जो उपरोक्त व्यवस्था से जो भी परिणाम घोषित होंगे अगर वो संतुष्ट नहीं हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो 2022 में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा या फिर अंक सुधार वाली परीक्षा में किसी भी विषय या किसी भी पेपर में अगर उन्हें दिक्कत होगा तो सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त किसी भी विषय में सम्मिलित होकर, तो नेक्स्ट ईयर में किसी भी विषय में सम्मिलित होकर वो अपने अंकों में सुधार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी व्यवस्था जो है वो समस्त शैक्षणिक सत्र 2020 और 2021 वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं पर लागू होंगे। तो आशा करते हैं कि लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो पहले बातचीत हुई थी मीटिंग में लगभग वही चीज़ें हैं, कुछ भी खास इसमें चेंज नहीं दिख रहा है। तो राष्ट्र गौरव और पर्यावरण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं दिए हैं या जो लोग उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं अभी तक, उन्हें उसका एग्ज़ाम देना है। और समरी ये है कि BSc BA जो भी हैं उन सभी को
उन सभी का जो पेपर है वो एक ही पेपर होगा, तीनों पेपर को मिला के, या जिनका बीए होगा तो दो पेपर को मिला के एक पेपर बनेगा, उसी तरीके से होगा बीकॉम वगैरह को छोड़ के, बीकॉम बीए मास कम्युनिकेशन और कॉमर्स को छोड़ के। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।